हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है, हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है घर छोड़ के, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और अभी तक कहीं नहीं है और आज हमको जाना पड़ रहा है। तो हम आगे बताएंगे कि हमको कहाँ जाना है। तो अभी देखिए, अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और अभी बबुनी उठ चुकी है। पहले इसके लिए टॉफी लाते थे, अब भैया लाएंगे। देखिए उठ चुकी है अभी, कैसे देख रही है। कैसे खेल रही है देखिए। तो हम शुरू करते हैं ये प्यारा सब लोग आप लोग के साथ। हम गांव के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं मोड़ पे। अभी कोई बहुत कम ही लोग दिख रहे हैं, वो अभी सुबह है इसीलिए। तो है गाइस, अभी हम मोड़ पे पहुंच चुके हैं और इतना सुबह है, कोई दुकान भी नहीं खुला है। तो अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पे। अब हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आगे ये दरौंधा स्टेशन है। वहाँ पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। यहीं से ट्रेन पे हम लोग बैठेंगे। तो है गाइज, अब हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम आपको आगे बताएंगे कि हमको कहाँ जाना है। तो चलते हैं, अभी ट्रेन कब आता है हम देखते हैं। अभी हम टिकट काउंटर पे हैं टिकट लेने के लिए। ये सामने मालगाड़ी आया हुआ है। अभी देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, पीछे से ट्रेन आ रही है, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं लोग, आवाज़ सुनाई नहीं देगा इसीलिए। आगे कुछ लोग DSLR से फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, ट्रेन आया था उसी पे से उतर के। सो फाइनली ट्रेन आ चुकी है और हम अब ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन भी शुरू स्टार्ट हो चुकी है। चल दी है ट्रेन, अभी दरौंधा जंक्शन से जस्ट निकल रही है। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। देखिए सिवान जंक्शन आ गया और सिवान जंक्शन भी हम लोग पार कर गए। अब उसके आगे अब मैरवा आया, उसके बाद हम लोग मैरवा जंक्शन भी पार कर गए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। उसके बाद देखिए ट्रेन मतलब अच्छा चल रही है, अभी स्पीड चल रही है, लग रहा है टाइम से हमको पहुंचा देगी वहां पे। तो अभी बहुत धीरे चल रही थी इसलिए मैं बाहर आया हूँ। अभी हम कुसमी जंगल के पास से गुजर रहे हैं। आप लोग आगे देख रहे हैं, पूरा ये कुसमी जंगल है। आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरा जंगल है, यहीं से हम लोग गुजर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। कुसमी स्टेशन पे भी ट्रेन रुका हुआ था, एक ट्रेन को पासेज देने के लिए, वहाँ पे स्टॉपेज नहीं है बट रुका हुआ था। और हम लोग अब आगे निकल रहे हैं कुसमी जंगल होते हुए। ये रेलवे का मतलब पुलिस लोग का है या कुछ, मतलब ऑफिस है रेलवे का ही। या आप लोग आगे देख रहे हैं, पूरा रेलवे का ऑफिस है। आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा दूर में फैला हुआ है, आप लोग आगे वीडियो में देख ही रहे हैं। ये पूरा ऑफिस है रेलवे का। और हम आगे चलते हैं, ये रेलवे का पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्र है आगे, आप लोग देख रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं स्टेशन से, बहुत करीब है। अभी हम गोरखपुर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं बट गाड़ी स्टेशन पे जंक्शन पे नहीं गई है, अभी पीछे है ही है। गोरखपुर जंक्शन भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। देखिए आगे ट्रेन को पेंट करके सुखाया जा रहा है, ये ट्रेन अभी पेंट हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद गोरखपुर जंक्शन मतलब यहाँ पे ट्रेन रिपेयरिंग भी होता है और धोया भी जाता है, पेंट होता है, मतलब ट्रेन का अधिकांश काम यहाँ पे होता है। और ये जंक्शन मतलब भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है, ये 10 किलोमीटर के अराउंड में है। और फिर आगे आप लोग देख रहे हैं ट्रेन को पेंट करके सुखाया जा रहा है। और हम आगे चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं ये जंक्शन, मतलब ये जंक्शन का पूरा वीडियो लो तो 1 घंटा का तो सिर्फ ये जंक्शन का वीडियो हो जाएगा भैया। भाई साहब क्या मैं बताऊं आपको, मतलब सिर्फ जंक्शन का वीडियो लिया जाए तो 1 घंटा का हो सकता है। और फिर हम लोग आगे निकल चुके हैं और अभी ट्रेन स्टार्ट हुआ, कुछ देर से बंद हुआ था,
तो हम अब आगे चलते हैं और देखते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन खड़ी है। इधर भी अभी तो जंक्शन मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेशन का ये नहीं होते बोलते हैं एरिया हो गया, गोरखपुर जंक्शन का एरिया यहाँ से स्टार्टेड है। और आप लोग देख रहे हैं कितना यहाँ पे, देखिए आगे मुस्लिम लोग का कुछ है, मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को, वही है कुछ जैसे हम लोग का मंदिर होता है वैसे ही कुछ है जहाँ पे पूजा होता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग देखिए कि अब हम लोग जंक्शन में जाएंगे, आपको हम वीडियो में दिखाते हैं। ये देखिए जंक्शन यहाँ से मतलब शुरू हो चुका है और आप लोग देख रहे हैं कि कितना ट्रेन लगी हुई है, मालगाड़ी मतलब सब चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। और देखिए आगे गोरखपुर जंक्शन का आपको बोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ से मतलब जंक्शन का चालू हो गया। अब देखिए ट्रेन कितना देर में रुकती है, हम लोग को फिर उतरना भी है। आपको मैं जंक्शन का नज़ारा भी दिखाता चलता हूँ। आप लोग देख रहे हैं जंक्शन पे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि गर्मी का सीज़न है, अभी दोपहर है 11 बज रहे हैं, तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है जंक्शन पे, लेकिन तब भी भीड़ है। और आप लोग इधर देख रहे हैं हम जंक्शन से अब ट्रेन से नीचे उतर चुके हैं, जंक्शन पे आ चुके हैं। और ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे पानी गिर रहा है, पानी बचाओ भाई लोग। और फिर देखिए उधर आगे बायजूस का प्रचार हो रहा है। हे गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर में और अब हम जाएंगे वहां पे, मकान पे डेरा है वहां पे जाएंगे। सो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी और अब हम लोग जाएंगे वहां पे रूम पे अपने और फिर वहां पे एंड करेंगे इस ब्लॉग को। अभी हम लोग पहुंचे हैं गोरखपुर, आप लोग होंगे कि कहाँ जा रहे हैं लेकिन गोरखपुर आए हैं। अब मिलते हैं फिर आगे आपको वीडियो में। अब हम रोड पे आ चुके हैं फाइनली, अब हम जाते हैं ऑटो पकड़ने, उसके बाद जाएंगे। सो हे गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे जहाँ पे आना था, मौसी के घर आना था, वहीं पे पहुंच चुके हैं अभी। और ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी, अभी 11 बज रहा है। हम लोग का ट्रेन का टाइमिंग था 9:45 या 9:50 के आसपास पहुंचाने का और ये बहुत ज़्यादा लेट कर दी है, 11 बज चुके हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, आप कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और यहाँ पे पढ़ने के लिए आना पड़ा है, ऐसा कोई खास बात नहीं है, बस पढ़ाई के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।